जो ब्रीच्ड इंडिया कंपनी थी, जब वो हमारी कंट्री में आई, जैसे कोई हमारे घर में आता हम किसी को डिसलाइक करते हैं ना, और वो अनचाहे गेस्ट हमारे घर में आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये कैसे जाएंगे, राइट? तो कुछ को हम नहीं निकाल पाते और जबरदस्ती अपने हमारे घर में घुस के बैठ जाते हैं। वैसे ही एक ब्रिटिश लोग थे जो एक दूसरी कंट्री थी, एक इजी वे में मैं आपको बताऊं तो दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आए और हमारी कंट्री को उन्होंने अंडरटेक कर लिया, मतलब हमारी कंट्री को कंट्रोल करने लगे, हमारे लोगों को कंट्रोल करने लगे। हमारे जितने इंडियन पीपल्स थे सबको वो मारते थे, और वो क्या करते थे हमारे लोगों को, हमारे लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए पैसे देते थे, उनको मारते थे, और कुछ लोग इतने ग्रीडी होते थे कि वो पैसे लेके उनके साथ मिक्स हो जाते थे। लेकिन उनके बीच में हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनमें आप लोगों ने कोई रानी लक्ष्मी भाई का रोल प्ले कर रहा है, राइट, कोई सुभाष चंद्र जी का रोल प्ले कर रहा है, कोई भगत सिंह जी का रोल प्ले कर रहा है, बहुत सारे हमारे ऐसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने हमारे कंट्री के फ्रीडम के लिए बहुत सी फाइट लड़ी थी, बहुत सारे बीच बीच में। कभी उनको, फिर वो क्या करते थे ब्रिटिश लोग, हमारे जो इंडियन पीपल्स थे उन जो भी आज़ादी के लिए लड़ाई करने जाता था या बोलता था या अपनी आवाज़ उठाता था, उनको उठाकर जेल में डाल देते थे। अब लोगों ने सोचा तो ये तो भाई ऐसे हमारे लोगों को, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो तो इनके सर्वेंट बन के रह जाएंगे। तो ऐसे बहुत देर तक हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपना सेक्रीफाइस दिया, क्या दिया, बलिदान दिया देश के नाम पर, जिसको आज भी हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में बताते हैं कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन हम उनको याद भी करते हैं। तो क्या हुआ, तो इसी दिन को याद करते हुए फिर 15 अगस्त 1947 को हमारी कंट्री को प्रॉपर फ्रीडम मिला, प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिला, प्रॉपर हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो हमारे देश से जो ब्रिटिश रूल थे वो आज की डेट में उनका पूरा शासन खत्म हो गया। आज से हमारे इंडिया का जो था इंडिपेंडेंस वो स्टार्ट हो गया। हमारे आज की डेट से हम इस डेट को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, हम ब्रिटिश रूल से हमें प्रॉपर फ्रीडम मिला था। क्या मिला था, फ्रीडम मिला था। 15 अगस्त 1947 को हम कंप्लीट क्या हो गए थे, इंडिपेंड हो गए थे। तभी तो हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट? और इस डे को स्कूल्स में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये जो फ्लैग है आपको पता है ये किसने इन्वेंट किया था, किसी को मालूम है? अब तो छोटे बच्चे, आपको नहीं आइडिया होगा, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये किया था पिंगली, किसने किया था, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, यस, ठीक है। ये इन्होंने इन्वेंट किया था, पता है क्यों इन्वेंट किया था फ्लैग? देखो, जैसे हमारा नेम होता है ना, वैसे हमारे कंट्री का एक फ्लैग को डिजाइन किया कि जिससे पता चले ये इंडिया है, ये भारत है। वो कैसे पता चलेगा, जब हमारा भी एक फ्लैग होगा, एक सिंबल होगा, एक साइन होगा, राइट? ये भी हमारे नेशनल सिंबल्स में आ गया है ना, बोलते इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, तिरंगा, और ऐसे क्या बोलते हैं, ट्राइकलर, क्या बोलते हैं, ट्राइकलर, यस। तो इसमें कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर, हाँ, कितने कलर्स होते हैं, 3 कलर, यस, 3 कलर, कौन कौन से होते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, कौन कौन से कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, क्यों ना व्हाइट, मेरे पीछे रिपीट करो, मैं आपके लिप सिंक को देख रही हूँ, जो उससे पता चल, गुड, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, गुड, ग्रेट, सैफ्रॉन मीन्स क्या होता है, स्ट्रेंथ,
करेज मतलब आप क्या स्ट्रेंथ मतलब पावरफुल, ठीक है, और हमारे आत्मविश्वास करेज ऐसा कुछ होता है इसका। एंड वाइट मीन्स शांति एंड सच्चाई का प्रतीक, हिंदू से पीस एंड ट्रुथ। एंड ग्रीन फोर एकता का प्रतीक यानी हरियाली का प्रतीक, हम सब मिलजुल के रहें, तो इसके लिए ये मुस्लिम सिख ईसाई जो ये होता है ना इसको हरियाली का प्रतीक बोलते हैं हिंदी में, ऐसे इसको क्या बोलते हैं एकता का प्रतीक, ठीक है। ओके गॉट इट माय पॉइंट। तो सबको फ्लैग के बारे में कुछ ना कुछ अपना वीडियो बना के शेयर करना, गॉट इट। तो चलो एक छोटा सा राइम करें, क्या राइम करें, हिंदी में करेंगे आज, हम लोग हमेशा इंग्लिश में बोलते हैं। आपको पता है हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, उसको मालूम है? हिंदी। यस, हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। यस, और आपको पता है ये इंडिपेंडेंस डे हमारा नेशनल फेस्टिवल है और इस दिन नेशनल हॉलीडे होती है, पता है आपको? चलो जिसको नहीं पता होगा मैम ने आपको आज बता दिया, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ये हमारा नेशनल फेस्टिवल में आता है, इंडिया का फेस्टिवल होता है ये नेशनल फेस्टिवल, गॉट इट। चलो एक राइम करते, मुझे लगता है देखो बच्चों झंडा प्यारा तीन रंग का मेल है सारा, फिर से बोलो देखो बच्चों झंडा प्यारा तीन रंग का मेल है सारा, फिर से बोलेंगे देखो बच्चों झंडा प्यारा, देखो बच्चों झंडा प्यारा तीन रंग का मेल है सारा, सदा रहे ये झंडा ऊंचा, बोलो सदा रहे ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे यह छूता, आकाश को रहे यह छूता, ठीक है फिर से करेंगे, सदा रहे ये झंडा ऊंचा, आकाश को रहे हमेशा छूता, आकाश को रहे हमेशा छूता, सदा करो तुम इसका मान, आगे बोलेंगे सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना इसका अपमान, कभी न करना इसका अपमान, झंडा है ये देश की शान, झंडा है ये देश की शान, बना रहे सदा महान, बना रहे सदा महान, जय हिंद। कब करेंगे? जय हिंद। Yeah.
one month in our national anthem. In which country do you live? India. What is the capital of India? New Delhi. Who is our Prime Minister? Mr. Modi. What is our national fruit? Tomato. What is our national bird? Peacock. What is our national animal? Tiger. What is our national anthem? What is our national currency? What is our national language? Hindi. What is our national flag? Panda. Panda desh ka August. Yeah.
which country do you live? India. What is the capital of India? New Delhi. Your prime minister name? समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिर भी